माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे फैसले से खुश नहीं है, मगर बिल्कुल सही फैसला है। मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। ये लंदन की FIR है, इससे सब मैच हो जाएगा। जो गुनाह मैंने किए उसकी सजा कृष्णा को नहीं मिल सकती। माँ, कुछ बोलिए तो सही। क्या बोले, आप कुछ पूछ थोड़ी रहे, आप तो हमें बता रहे हैं। ऐसा है बेटा कि अगर आपको इस वक्त सिर्फ अपनी पत्नी की परवाह है तो ऐसा ही सही, हमारी बदनसीबी। माँ, गलत तरीके से देख रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप सही कर रहे हैं ना, आपको इस वक्त सिर्फ अपनी पत्नी की चिंता है। आपको डॉक्टर साहब, आपने एक बार सोचा कि आपके इस फैसले से हमारे ऊपर क्या बीतेगी, हमारा क्या होगा? नहीं ना, आपके इस फैसले से आप जेल जाते हो तो जाए, हम अकेले रह जाए, मर जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए, पर एक बात याद रखिएगा, अब हम भी वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। आप कुछ कहना मत बस। हाँ भैया, वो पैसा हम भिजवा दिए थे। अरे रात में ही भिजवा देते, मिल गया ना? हाँ हाँ, बढ़िया। सुनो, काम जो है ना उस सलीके से पूरी तरह से हो जाना चाहिए, हम बता रहे हैं, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम बता देते हैं। चलो ठीक है, ठीक रखते हैं। किससे बात कर रहे हैं शुक्ला जी? अरे शुक्लाइन, तुम भी ना गजब करती हो भाई। अरे कर्जदार सिर पे खड़े हो जाते हैं भाई, अस्पताल हाथ से चला गया, देख नहीं रही हो क्या? किसको किसको बताते रहेंगे कि किसका फोन है और किसका नहीं है? हैं? चाय बनाओ, हम दिशा फिरा करके आते हैं। भैया, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन चलो प्लीज, थोड़ा जल्दी चलिए। हेलो हेलो वकील साहब, मैं बस पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूं, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। अब कृष्णा जेल में नहीं रहेगी। ठीक है, आप आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूं। भाई साहब, थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। वैसे भी हम कौन सा हमेशा के लिए अलग हो रहे, आप दो दिन में तो वापस आ जाएंगे ना? हम दोनों ना एक दूसरे को वीडियो चैट पे दर्द भरे गाने सुनाएंगे। हाँ,
हाँ बहन जी। अरे ना ना, ऐसे कामों में तो हमारी डॉक्टरी हासिल है एकदम। हाँ, पीएचडी करके बैठे हैं बचपन से। ना ना, गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, हम कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ते हैं। हाँ ना ना, आप कह रही थी ना कि वो हिला टापर की वजह से आपका जो लड़का है वो चैन से सो नहीं पा रहा है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, अब वो एकदम आराम से चैन से सो रहे हैं। पर ध्यान रखिएगा, भागने की कोशिश ना करें, क्या है ना, सिद्धी है डॉक्टर साहब। अरे जिद ही तो ले डूबता है आदमी को बहन जी, हैं? नहीं तो जब हमको पता चला था ना कि हमारे मुंशी का लौंडा लंदन से इतना बड़ा डॉक्टर बन के आ रहा है, तो हमारा छाती चौड़ा हो गया था। लेकिन क्या कहें, हैं? चलिए ठीक है। अच्छा सुनिए, आपको अगर कभी मिलने जाना होगा तो हमसे बताइएगा, हम साथ में लेके चलेंगे। अब धंधा पानी का टाइम हो गया, हम दुकान पहुंच गए हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, प्रणाम प्रणाम। वीर कहाँ है वकील साहब? फोन पे तो हमसे कहा कि रास्ते में हूँ, यहाँ आ रहा हूँ, और बोले कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन? कहाँ रह गए फिर? घर से यहाँ तक आने में तो 20 मिनट लगता है, 1 घंटा हो गया है। आप एक बार फोन करके देखिए ना। फोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ? कहीं वीर कोई परेशानी में तो नहीं फंस गए? वकील साहब, जब उन्होंने आपसे बात की थी तो वो कैसे साउंड कर रहे थे? चिंता मत करो कृष्णा, वीर बिल्कुल ठीक हैं। टेंशन तो तब तक थी ना जब तक वो इंडिया में थे, अब वो लंदन के लिए निकल चुके हैं। लंदन? लंदन क्यों माँ? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तुम कैसे समझोगी? हमारे बेटे हमारा दर्द समझते हैं, उनके लिए आज भी इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट उनकी माँ है। चले गए हैं वो यहां से हमेशा हमेशा के लिए। नहीं पढ़ना है उन्हें तुम्हारे और शुक्ला के पचड़ों में। उनका अपना पूरा करियर पड़ा है उनके सामने, है ना? वीर ऐसे नहीं, आप झूठ बोल रही है ना वकील साहब। आप प्लीज वीर को फोन लगाते रहिए, ये सब सही नहीं है। हम वीर को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकते। हाँ लगाइए ना, जरूर लगाइए फोन। जब तक इसे तसल्ली ना हो जाए तब तक फोन लगाते रहिए। लेकिन कृष्णा, फोन तो स्विच्ड ऑफ है क्योंकि वीर इस समय फ्लाइट में है। कृष्णा तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो स्टेटमेंट तुमने लिखी है उसमें जो कुछ भी लिखा है वो सही है? तुमने वो किया है। वैसे भी तुम ये केस लड़ोगी तो जीत नहीं पाओगी। बस यही कहने आए थे हम। हम नहीं मानते, आप झूठ बोल रही है। वीर आएंगे हमें बचाने, हम वीर को अच्छे से जानते हैं। वकील साहब ने कहा है उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो आएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।